ये प्लांटर्स मैंने ऑर्डर किए थे, रेलिंग प्लांटर्स अमेजोन से। ये मुझे पड़े हैं 799। मैंने इसमें से दो निकाल लिए थे, लेकिन अभी तीन जो है वो बाकी हैं। तो मैं आपको बता दूँ किस तरह से आते हैं। ये कुछ इस तरह से है, मल्टी कलर है इसका ये हैंडल और स्क्रूज। इसको दो स्क्रूज होते हैं पर पॉट। इसमें मल्टी कलर है, एक येलो है, एक रेड है, काफी अच्छे कलर है, ब्राइट कलर है। मेटल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते। इसमें एक बैक साइड में खोल है और काफी बड़ा है, आप आराम से इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। और ये रेलिंग प्लांट्स है तो आप सॉरी रेलिंग प्लांटर्स है तो आप इसे इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से मदद मतलब से इसमें स्क्रूज लगा दीजिए और ये हो जाएगा। एक कलर रेड है, येलो, और ये बहुत ब्राइट कलर है सारे। और पैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैकेजिंग अच्छी है। ये देखिए ये ऑरेंज कलर का है, और इसके साथ दो कलर और आए थे, वो थे ग्रीन और ब्लू, और सबके साथ हैंडल्स और स्क्रूज हैं। तो मैं इसको आपको लगा कर बताती हूँ किस तरह से लगाना है। स्क्रू लगाते हैं, ये स्क्रूज भी इसको इस तरह से जिप पाउच में, और हैंडल इस तरह से। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, देखिए इस तरह से आया था। इसको लगाने का आप अपनी रेलिंग पर ट्राई कर लीजिए कि आपको इस तरह से लगाना है या बाहर की तरफ लगाना है, क्योंकि मैंने अपने रेलिंग में जब ट्राई किया तो मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि मैं अंदर के साइड हैंडल लगाऊं, तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है कि ये जो है मेटल खराब नहीं है, लेकिन इसे आप धूप ज़्यादा आएगी तो ये शायद सा कलर निकल जाएगा, तो वो आप ध्यान रखिएगा। बस इस तरह से आप अंदर इसको कर दीजिए और फिर आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे टाइट कर लीजिए। इनके जो नट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोकोपीट भी मैंने ट्रस्ट बास्केट का ही मंगाया था, उसका भी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और इस पे पांच मुझे प्लांटर्स मिले हैं, दो मैंने ऑलरेडी उसमें प्लांट्स लगा दिए हैं, आज मैं इन तीन में भी लगाऊंगी। और देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छे ब्राइट कलर्स हैं। आप हैंडल अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से लगा लीजिए। चलिए तो अब हम करते हैं इसका प्लांट लगाने का काम, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।